अम्बेडकर नगर में शहजादपुर फव्वारे के पास श्री रामचंद्र जी की खंडित प्रतिमा को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और प्रतिमा को फिर से बनवाया जा रहा है। महुआ के जलवारा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें इंटर कॉलेज की छात्रा प्रीति की मौत हो गई। छात्रा कोचिंग के लिए साइकिल पर जा रही थी, तभी बिजली केबल बदलते समय ट्रैक्टर द्वारा खींचते हुए विद्युत पोल नीचे गिर गया। पोल टूटकर छात्रा पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांदा में ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कालिंजर थाना क्षेत्र के नोगवा गांव में अवैध गांजे की खेती कर रहे राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 65 किलो हरा और 350 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन ईगल कुछ पूर्व हमने शुरू किया था, जिसमें डीआईजी सर द्वारा और मेरे द्वारा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लगातार इस तरह की जो भी मादक पदार्थ तस्करी कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं अपने घरों में छुपा के, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी थाना कलेंजर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर में, दूरदराज उसका घर था, वहाँ पे गांजे की खेती कर रहा है। तत्काल वहाँ पे टीम एसएचओ की अध्यक्षता में पहुँची और उसको चेक किया गया, तो उनके पास से लगभग 65 किलो हरा गांजा और कुछ सूखा गांजा लगभग 350 ग्राम वहाँ से मौके से मिला है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। एक की मौके पर और दूसरे की उपचार के दौरान मौत हुई है। घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के तुर्रा गांव के पास हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो लगातार सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, जिस ट्रक से इसमें एक्सीडेंट हुआ उसको चिन्हित करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा इसमें पंजीकृत है और इसमें जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। इसमें जो एनडी एक्ट के अंदर भी कार्रवाई वो भी अमल में लाई जाएगी। इसके ऊपर दर्ज करते हुए ट्रक को भी सीज किया जाएगा। झांसी के गड़िया गांव में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी बेटी ने मर्डर का आरोप लगाया है। महिला पति की मौत के बाद बेटी के पास रह रही थी, लेकिन 12 दिन पहले उसे बड़ी बहू अपने घर ले गई। इसके बाद बहू और छोटी बहू ने दो मकान अपने नाम करा लिए। महिला की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी बेटी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रेमनगर कस्बे की रहने वाली वती देवी, जिनकी उम्र करीब 68 वर्ष है, अपने घर में करीब रात्रि 3 बजे मृत अवस्था में पाई गई। मौके पर थानाध्यक्ष प्रेमनगर पहुंच गए और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनकी जो बहुएं और जो इनकी बेटियां हैं, इन लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। पोस्टमार्टम कराया गया, अन्य साक्ष्य संकलन की जा रही है। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर शोषण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूपी द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में वो 5 सूत्रीय मांग रखी है और इस मामले में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया है। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर अंडर 18 बालक और बालिका वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कंडोलिया थीम पार्क से किया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने दौड़ की शुरुआत हरी झंडी दिखा करके प्रतियोगिता से पहले प्रतिभागियों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की भी शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और बच्चों का भी उल्लास बड़े जोर शोर से है और युवा कल्याण विभाग की भी ओर से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर आज प्रतियोगिता संपन्न की जा रही है और खेल विभाग की ओर से यहां पर क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया और इसके अलावा खेल विभाग की ओर से कोटधार स्टेडियम में भी खेल प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही है। संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शव मकान से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के बेटे की तहरीर पर रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने ट्रांस हिडन जॉन इंद्रमपुरम पुलिस के सहयोग से दो अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी हाल ही में थाना इंद्रमपुरम क्षेत्र के साइट से क्रिश्चियन घड़ी शोरूम से 3 करोड़ रुपए की घड़ियां चोरी करके फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 46,36,000 रुपए की बेशकीमती घड़ियां बरामद की गई हैं। 11 अगस्त 2024 को थाना इंद्रपुरम में सूचना मिली थी, जो साई क्रिएशन एक लग्जरी वॉचेस का शोरूम है, वहां पे शटर खोल के किसी ने चोरी की है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही FIR पंजीकृत करके जो इसमें अभियुक्त है उनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया था। बाराबंकी में एक प्राइवेट क्लिनिक पर ACMO डॉक्टर राजीव दीक्षित ने CHC बड़ागांव अधीक्षक और अन्य के साथ छापेमारी की। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि जिले भर में क्लिनिक और अस्पतालों की मानक जांच का अभियान चल रहा है और मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना हम लोग को कल 2-3 दिन से हम लोग पूरे जनपद में जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है, तो एक बृहद तरीके से जो है एक पूरा संगठित तरीके से हर जगह जो इस तरह का छापा मारा, इसकी भी सूचना हम लोगों को मिली थी कि यहाँ पे भी क्लिनिक के साथ साथ जो है मेडिकल स्टोर और पीछे क्लिनिक और आज भी आपने देखा है कि उसमें पैथोलॉजी का भी कुछ सामान मिला है। तो इस तरह की जो जिसके तहत रजिस्टर्ड है उसके अलावा कोई और विधि से कोई भी कोई कार्य कर रहा है तो गैर कानूनी है। तो ऐसी सब जगह ऐसी क्लिनिकों को ऐसे गैर कानूनी तरीके से बैठने वाले डॉक्टरों को सबको सील किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा 2021 के फाइनल परिणाम में ऋषिकेश निवासी बिलाल खान राज्य कर अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। उनके चयन पर परिवार और शहरवासी में खुशी जताई है और घर पर बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है।